15 अगस्त रक्षाबंधन आदि त्योहारों को लेकर एसडीएम ने की बैठक। रक्षाबंधन 15 अगस्त और ईद जैसे त्योहारों को लेकर आज थाना गोवर्धन में गोवर्धन के एसडीएम राहुल यादव, क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन विजय शंकर मिश्र, थाना अध्यक्ष लोकेश भाटी ने कस्बे के गणमान्य लोगों और व्यापारियों को नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ बैठक कर तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही श्रावण मास में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए भी अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने समस्याओं से एसडीएम महोदय को अवगत कराया और उनके निराकरण के लिए अपील की। एसडीएम गोवर्धन व्यापारियों और आम जन की समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया और कहा कि सभी लोग प्रेम और सौहार्द के साथ अपने अपने त्योहारों को मनाएं। प्रशासन की ओर से सभी लोगों को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। सर, आज जो थाने में मीटिंग की गई है, किस विषय पर की गई है और क्या क्या उसके मुख्य बिंदु हैं? आज थाने पे जो आगामी हमारे त्यौहार आ रहे हैं उनके संबंध में 30 कमेटी की मीटिंग की गई है और त्यौहारों के संबंध में तहसील की तरफ से, थाने की तरफ से क्या क्या इंतजाम होने हैं उनके सबसे बात की गई है। सब कुछ चीज़ें नोट करा दी गई हैं और इस तरीके से बातें हुई हैं कि जो हमारे आने वाले त्यौहार हैं वो सारे त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाए। तो और इसमें किन किन विभागों की भूमिका रहेगी त्यौहारों को संपन्न करने में? है नगर पंचायत है, आने की तो भूमिका रहती है, तो सारे डिपार्टमेंट की भूमिका पे इसमें बात हो गई है। सबको उनके काम नोट करा दिए गए हैं और कहा गया है कि सारे जो काम है अपने टाइम पे पूर्ण करके दें ताकि आगामी त्यौहार हमारे सकुशल रूप से निपटाए जा सके। सर, कस्बे के पॉलीथीन में अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई, व्यापार मंडल से भी बात हुई है, सहयोग मांगा गया है व्यापार मंडल का। हम लोग इसमें अभियान चलाकर पॉलीथीन को पूर्णतः रोक कार्रवाई की जाएगी।